सो दोस्तों, इस सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो है और इस सीरीज के अंदर में हम ब्लॉगर पे एक एफिलिएट वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं, जिसमें कि बस एक क्लिक करने के बाद, एक कोड डालने के बाद हमारा अमेज़ॉन एफिलिएट का जो भी अकाउंट्स है, जो भी अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्ट है या फिर फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट है, वो सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे इस वेबसाइट पे फेच होके शो करने लगता है। और जब भी कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करता है, तो बाय करने के बाद उसका सीधा कमीशन आपके आपके एफिलिएट डैशबोर्ड में शो करता है। तो इस तरह का वेबसाइट हम इस सीरीज के अंदर में डिज़ाइन करने वाले हैं और इसका हमने फर्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से उस वीडियो को पहले वॉच कीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर में हमने इस तरह का पूरा वो ब्लॉगर पे हमने सेटअप करने के लिए बता दिया है कि आप ब्लॉगर के अंदर में इस प्रकार की वेबसाइट कैसे सेटअप करेंगे। आज हम सिर्फ इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे जो राइट साइड में यहाँ पे विजिट्स हैं, इस विजिट को आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपका हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, उस प्रोडक्ट को आप अपने प्रोडक्ट के साथ कैसे रिफ्लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे एफिलिएट लिंक के माध्यम से आया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने एफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे एम्बेड करवा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताई थी, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि आपके पास एक अमेज़ॉन का एफिलिएट अकाउंट होना चाहिए और यहाँ पे एक इंडिया डील्स नाम का एक वेबसाइट है, एक कंपनी है जिसके वेबसाइट पे आपका अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक उस वीडियो को देख करके ये दोनों वेबसाइट पे आपने रजिस्टर कर लिया है और एफिलिएट अकाउंट बना लिया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इंडिया डील्स में अकाउंट बनाएंगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा, देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको पूरी मंथ का अर्निंग दिखेगा और यहाँ पे आपको टुडे अर्निंग दिखेगा और यहाँ पे आपको 6 मंथ का आपको रिकॉर्ड दिखेगा और यहाँ पे ट्रांजेक्शन इस मंथ में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड दिखेगा और यहाँ पे कितना क्लिक आया है आपके वेबसाइट पे, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसा कि यहाँ पे अमेज़ॉन पे है, अमेज़ॉन पे भी सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक दिख रहा है और यहाँ पे टोटल अर्निंग दिख रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे क्लिक्स वगैरह वो ये सब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी दोनों वेबसाइट पे न्यू अकाउंट को जनरेट किया हुआ है, तो हमें अभी इस अकाउंट में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अगर अगर आप इस वेबसाइट पे कुछ समय काम करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वेबसाइट यहाँ पे रेडी होने वाला है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो चलिए हम फटाफट से चलते हैं ब्लॉगर के अंदर और देखते हैं कि इसको हम कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक इस थीम को डाउनलोड करके अपने ब्लॉगर पे इंसर्ट नहीं किया है, तो इसका भी लिंक आपको इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी थीम आपको डाउनलोड किया हुआ मिल जाएगा। उस थीम को आप अपने इस ब्लॉगर के अंदर में शिफ्ट कर सकते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो देख करके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस ब्लॉगर के अंदर और देखते हैं इस कोड को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ताकि हम किसी और को भी इस वेबसाइट के बारे में सिखा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड इंडिया डील INR डील्स का जो एफिलिएट डैशबोर्ड है, इसके अंदर में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है अमेज़ॉन एफिलिएट एंट्री गेट, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और जस्ट आपको अमेज़ॉन का ये एफिलिएट वेबसाइट भी यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको आपका आपका यहाँ पे ये एफिलिएट का ये API की यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हमने इसको ब्लर किया हुआ है तो आपके आपके अमेज़ॉन अकाउंट में ये शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टोर आईडी जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, इस स्टोर आईडी को यहाँ से हम आप कॉपी कर लीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पे स्टोर आईडी है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस बॉक्स में उस कोड को इंसर्ट कीजिएगा और यहाँ पे ऐड अमेज़ॉन
आईडी करके एक ऑप्शन दिया होगा, इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एफिलिएट आईडी एडेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है आपको टूल्स में। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको डी इंजन का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे आप अमेजोन का एफिलिएट आईडी यहाँ पे जनरेट क्रिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको डील्स इंजन का एक ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इसको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कोड दिख जाता है, ठीक है। और यही कोड आपके वेबसाइट पे, आपके वेबसाइट को एफिलिएट वेबसाइट बनाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस कोड को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और फटाफट से हम यहाँ पे ब्लॉगर का जो हमारा ये एडमिन पैनल है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको थीम के अंदर में आना है। थीम के अंदर में जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको एडिट एचटीएमएल का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये दोस्तों कोड है आपके वेबसाइट का, यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ आप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका वेबसाइट वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको जो बताने वाले हैं उस सिर्फ उसी कोड को उसी जगह पे पेस्ट करना है, अदरवाइज आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉर्डर, यहाँ पे जब आप माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिखेगा और यहाँ पे कुछ डॉट आपको दिख रहा है। जस्ट इस डॉट के आपको इस साइड में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है आपको इंस्पेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डीप क्लास्ट और यहाँ पे इस कोड के अंदर में जहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऐड, जो कि हम यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आपको शो करा रहे हैं। तो ये पोस्ट ऐड को यहाँ पे आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो पोस्ट ऐड या फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके वेबसाइट में क्या शो कर रहा है और यही चीज़ हम आपको वहाँ पे आपको सर्च करने के लिए बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ऐड यहाँ पे हमने देख लिया। अब जाना है इस कोड के अंदर में और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको कहीं पे भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ करना है, जैसे सर्च में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट ऐड, पोस्ट और ये माइनस का चिन्ह देना है और यहाँ पे लिखना है ऐड ऐड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ इस कोड के अंदर में, जस्ट आपको वही चीज़ यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको करना है इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ डिब क्लास और उसके अंदर में यहाँ पे पोस्ट ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे फिर से इंटर करते जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे और फिर से इंटर करेंगे और जब तक इंटर करेंगे जब तक वो चीज़ ना आ जाए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है डीप क्लास और कोड के अंदर में पोस्ट ऐड आ चुका है, ठीक है। तो इस सेक्शन को यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ये लाइनें हैं उसके नीचे में यहाँ पे आपको एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कोड को क्या करना है, सबसे पहले इस कोड को आपको डिलीट करना है। क्या करना है, इस कोड को आपको डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद आप जो अपना कोड यहाँ पे आपका जो अपना कोड है इस कोड को यहाँ पे करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ समय लगेगा और यहाँ पे आपको अपडेट सक्सेसफुली देख के आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको आप माइनस करेंगे और यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे शो करा दिया जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे जो शो कर रहा है वो आपका प्रोडक्ट है आपके अमेज़न वेबसाइट का, ठीक है। और यहाँ पर जब भी कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे व्यू ऑफर पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो व्यू ऑफर पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट अमेज़न के साइट पे आ जाएगा जहाँ पे उसको प्रोडक्ट को बाय करना है, पैसा देना है, जो भी करना है वो सारा झंझट आप अमेज़न झेलेगा। आपको वहाँ पे कोई भी टेंशन लेना नहीं है और जिसका भी जितना भी आपका यहाँ पे इंसेंटिव बनता है वो इंसेंटिव आपके अमेज़न के डैशबोर्ड में यहाँ पे
शो कर जाएगा, और उस INR डील्स के डैशबोर्ड में भी आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए यहाँ पे कोड एम्बेड कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे कि हमारा यहाँ पे अपना लोगो है, अपना लोगो के अंदर में आपको किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करना है, मतलब आपको अपना लोगो यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप क्रॉस करते हैं और फिर से आते हैं हम यहाँ पे लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको हेडर का एक ऑप्शन दिख रहा है और इस हेडर को आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड इमेज फॉर कंप्यूटर पे आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेज आपको आप जो भी इमेज यहाँ पे रखना चाहते हैं वो इमेज सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे और सेव कर देंगे, तो आपका यहाँ पे इमेज आपका यहाँ पे आ जाएगा आपके यहाँ पे हेडर पे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको अपनी वेबसाइट पे जब हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे थे, मतलब क्रिएट कर रहे थे, वहाँ पे हमने बताया था कि आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे मूविंग कर रहा है, इस टेक्स्ट को यहाँ पे कैसे यहाँ पे इम्बेड करेंगे हम अपने ब्लॉगर पे, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसको आपको लगाने के लिए सबसे पहले आपको आना है ब्लॉगर के अंदर में। ब्लॉगर के अंदर में जैसे आप आएंगे और यहाँ पे लेआउट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको वेलकम टू अपना दुकान दिखेगा, और यहाँ पे आपको अपना दुकान का यहाँ पे दिखेगा, जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं अपने हेडर पे, इस साइड में जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे आपको एक कोड यहाँ पे एम्बेड करना है, और वो कोड क्या है, वो कोड आपको हम इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, उसको आप वहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको ये सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद अब यहाँ पे चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, और इसे आप अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका वो मूविंग वाला टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस कोड को यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अमेज़ॉन लिखा है, तो आप इसे आप चेंज कर सकते हैं। शॉपिंग फॉर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आप उसको एज इट इज चेंज कर सकते हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ शो नहीं करता आप उसे चेंज करने का कोशिश प्रयास ना करें, नहीं तो आपकी साइट ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही कोड चेंज करना है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक मूविंग वाला टेक्स्ट यहाँ पे शो करा सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे विजिट का बात करें, तो विजिट के अंदर में आपको यहाँ पे विजिट यहाँ पे जो भी आपका विजिट यहाँ पे देखने के मिल रहा है, इस विजिट में आप कुछ भी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको फेसबुक का पेज एम्बेड कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक आप डाल सकते हैं, रिसेंट पोस्ट का यहाँ पे डाल सकते हैं, सर्च ब्लॉगर का यहाँ पे है ही, और रिसेंट पोस्ट अगर आप इसमें कोई कुछ यहाँ पे नया चीज़ यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसे देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये जो विजिट देखने हैं ये आपको वही विजिट है जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप जो भी इस विजिट में चेंज करेंगे वो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे आपको सिंपल एक टेक्स्ट यहाँ पे वही टेक्स्ट कॉपी करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कोड हमारा यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे फेसबुक का पेज है, फेसबुक का पेज अगर आप देना चाहते हैं तो वो पेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो भी आपका फेसबुक का इमेज या फिर URL होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप का है तो व्हाट्सएप का आपका जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है या फिर व्हाट्सएप का लिंक है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रिसेंट पोस्ट। इस तरह से आप अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब क्या करना है, हमने आपको यहाँ पे बताया था कैटेगरी भी चेंज करने के लिए, यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए बताया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे हम चेंज करते हैं,
तो कैटेगरी को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको फिर से उसी कोड के अंदर में जाना है जो कोड हमने आपको एडिट करके वहाँ पे आपको बताया था। तो इस कोड में आना है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है AMAZON अमेजोन को यहाँ पे आप सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो जैसे आपका अगर अमेजोन का अकाउंट इस ब्राउज़र में लॉगिन होगा तो आपको एक यहाँ पे एक पट्टी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी, यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी का लिंक यहाँ पे लाना है तो उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का लेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में सर्च कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये कैटेगरी यहाँ पे लाना है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको लिंक यहाँ पे कॉपी करना है और इसी लिंक को यहाँ पे हम अमेजोन है तो यहाँ पे हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक का था, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया है। और उसी तरह से यहाँ पे अगर आप और भी यहाँ पे लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे आपको सर्च करना है और इस लिंक को जनरेट करना है और यहाँ पे आपको ला करके डाल देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई कैटेगरी यहाँ पे नया कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसी को यहाँ पे आपको इन दोनों को यहाँ पे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपको इंटर मारना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे डील्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं जैसे कि बेबी का प्रोडक्ट यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे बुक का यहाँ पे देना चाहते हैं तो बुक का डाल देंगे। और इसमें आपको इस सभी को हैच यहाँ पे हटा करके यहाँ पे आपको लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना है अपडेट, और अपडेट पे यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है और यहाँ पे अपना अपने साइट पे आना है। इसको आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के को जनरेट कर सकते हैं और जो हमने लिंक लगाया था वो लिंक भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस तरह का वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस डिज़ाइन को कस्टमाइज करने में आपको कोई भी एरर आता है आपके कोड के अंदर में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, या फिर यहाँ पे हमारा नंबर शो कर रहा है उस नंबर को पे कॉल कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, और आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एफिलिएट वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टम एफिलिएट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर में कोई भी आपको और भी एक्स्ट्रा ऐड करना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो हम आपको वहाँ पे कमेंट का जवाब दे देंगे, ठीक है। और इसके लिए हम एक डेडिकेट वीडियो भी यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एफिलिएट वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं ब्लॉगर के अंदर में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ब्लॉगर पे ई कॉमर्स का वेबसाइट यहाँ पे सेटअप करेंगे और वहाँ पे अपने हिसाब से प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम लिस्ट करेंगे और कैसे कस्टमर बाय करेगा, कैसे चेकआउट पेज पे जाएगा और कैसे उसको पेमेंट करना है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर में। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।